हेलो एवरीवन, मैं हूँ विम्पी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY हिबिस्किस हेयर ऑयल, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसे छोटे छोटे सेशंस में ही बनाएं। और हिबिस्किस फ्लावर्स ऐसा एक फ्लावर है जो कि इस सीज़न में आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लाइक आपके पड़ोस के घर में हो सकता है, या फिर आप खुद भी इसे लगा सकते हो, या नज़दीकी पार्क में आपको मिल जाएगा, आपके खुद के गार्डन में हो सकता है। और ये जो फ्लावर है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर के स्ट्रेंथ के लिए। अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं आपके बालों को, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, यू नो, बालों को थिक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाल्डनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है, राइट, अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब बालों के किसी भी, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। लेकिन गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोगों ने नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और साथ में आएगी एक बेल बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर लाइट्स थोड़ी सी कम लग रही हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़े ही दिनों में लाइट्स का जो है पूरा प्रॉपर इंतज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रेसिपी पर ध्यान दीजिए। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाना कैसे है। तो दोस्तों, इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको हिबिस्कस फ्लावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, और 8 से 10 आप फ्लावर ले सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो इसे बनाने के लिए हमें हिबिस्किस फ्लावर की ही ज़रूरत पड़ेगी। 8 से 10 आप फ्लावर जो है इकट्ठा कर लो, और नहीं तो 2 से 3 भी आप ले सकते हो। छोटे सेशंस में बनाना है तो आप 2-3 फ्लावर ही ले लो, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है खुद के लिए। 8 से 10 फूल मैंने यहाँ पर लिए थे हिबिस्किस के, और साथ ही आपको चाहिए हिबिस्किस की कुछ पत्तियाँ, 2 से 3 पत्तियाँ आप ले लो। और यहाँ पर आपको लेना है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना, और यहाँ पर आपको एलोवेरा लीफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। एलोवेरा लीफ तो आपको पता है हर जगह अवेलेबल होती ही है, वो आप ले लो, साइड से उसके जो कांटे वगैरह होते हैं वो निकाल लो, उसे बीच से कट कर लो, और छोटे छोटे क्यूब्स में आप इसे ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सरसों का भी ऑयल ले सकते हो, हमें एक ऑयल बेस चाहिए, राइट। जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही कॉमन आपको मिल जाएगा आपके घर पर भी, तो आप वो ले सकते हो। आपको कोकोनट ऑयल उतना ही लेना है जितना आपको ये ऑयल बनाना है। क्वांटिटी जितनी आप बढ़ा रहे हो ऑयल की, उतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रॉपर एक रेशियो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बना सकते हो, या फिर आपको एक महीने तक यूज़ करना है तो आप उसके लिए भी बना सकते हो। तो आप ये खुद से डिसाइड कर लो कि आपको कितना बनाना है। आप तो आप ये सारी चीज़ें पहले तो इकट्ठा कर लो। चलिए जी, अब हम इस ऑयल को बनाते हैं। सबसे पहले तो एक पैन में आप कोकोनट ऑयल ले लो, जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पर 1.5 कप ले रही हूँ, और आप चाहें तो कोई भी ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है टोटली। और ध्यान रखिएगा कि आप गैस सिम पर ही रखें, ज़्यादा तेज़ आंच पर आप ना रखें। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, और अभी मैं अपने हिबिस्किस के सारे फूल जो हैं वो इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और धीरे धीरे अभी हम डालेंगे इसके अंदर हिबिस्किस के 2 से 3 पत्ते। मैंने यहाँ पर ज़्यादा तोड़ लिए थे, पर 2 से 3 पत्ते ही मैं यहाँ पर डालूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा के कुछ क्यूब्स, सब के सब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना, और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे आपको कम से कम 15 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट आप इसे अच्छे से पकाइए, जब तक कि इनका कलर जो है बिल्कुल फेड नहीं हो जाता। आप इसे अच्छे से पकाते रहिएगा। 15 मिनट बाद आपको कर देना है फ्लेम ऑफ। ऑफ करने के बाद आप इसे अच्छे से ढक दो, और 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे ढका रहने दो। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको ऑयल जो है वो दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा जो असेंस है ना इन सभी इंग्रेडिएंट्स का, इस ऑयल में आ गया है। और अभी पहले तो मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ,
और इसे छानने के बाद मैं इसे कांच के कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हो, अगर आप 1 महीने के लिए बना रहे हो तो प्रिजर्व करने के लिए आप बना सकते हो। और इसे आप फ्रिज में रखिएगा ताकि ये जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन ये टिक सके। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही मैंने बनाया है क्योंकि मैं फ्रेश बनाना जो है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप इसे जो है फ्रेश ही बनाइए। और यहाँ पर मैंने इसे कांच के कंटेनर में, खाली कांच के कंटेनर में इसे स्टोर कर लिया है। कांच का कंटेनर एकदम क्लीन होना चाहिए, पुराने चीज़ों का उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सामान धो लीजिए अच्छे से कंटेनर्स को। और अभी आप यहाँ पर मेरे बाल देख सकते हैं, बहुत ही रूखे सूखे और गंदे हो रहे हैं। और अभी मैं इस ऑयल को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बाद अपने बालों में, अपने रूट्स में अप्लाई करना शुरू करूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अच्छे से मसाज कीजिए। आप चाहें तो किसी और से मसाज भी करा सकते हैं अगर आपको नहीं कंफर्टेबल खुद से करने में तो। मुझे खुद मसाज करना अपने बालों का बहुत अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है अगर कोई और मसाज करता है मेरे बालों पे तो। और अच्छे से आपको रूट्स पर अप्लाई करना। आप चाहें तो इस ऑयल को थोड़ा वार्म भी कर सकते हो ताकि ये रूट्स पर अच्छे से चला जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो, मसाज कर लीजिए। एंड्स पर आप अच्छे से लगाइए, आप लेंथ पर अच्छे से लगाइए। और टिप्स को तो आप बिल्कुल भी ना भूलिए गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टिप्स पर लगाना, बालों को टिप्स पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं इसे अपने बालों को अच्छे से बांध दूँगी एक हेयर क्लिप की मदद से। और उसके बाद आप बस इसे बांध के ना अपने बालों को सो जाओ, या तो ओवरनाइट रखो या तो आप इसे 2 से 3 घंटे रखो, इसीलिए ये अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों, शैम्पू आप वही यूज़ कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हो, जिसके अंदर केमिकल जो है बहुत ही कम हो, तो ऐसा कोई शैम्पू आप यूज़ कीजिए। और दोस्तों, आप यहाँ पर मेरे बाल देख सकते हो, मैंने इस ऑयल को 1 महीना यूज़ किया है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हो गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। और बालों की लंबाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बालों को ग्रो करने के लिए, सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपर अगर आप इसका जो बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको इससे कम से कम 2 से 3 महीने जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका ज़रा सा भी जो असर है वो देखना चाहते हो तो 15 दिन में ही आपको इसका जो असर है वो देखने में मिल जाएगा। जो मेरे DIYs होते हैं गाइस, वो ऐसे ही नहीं होते, प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती, और ये भी एक ट्राइड और टेस्टेड एक रेसिपी है, एक हेयर ऑयल है। तो आप इसे घर पर जरूर बनाइए और मेरे साथ जरूर इसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए।